नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल राइट। शनिवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न होने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में पार्टी के लोगों से मिलते रहे। दिल्ली में उन्होंने कई अलग अलग राज्यों से आए जेडीयू नेताओं से मुलाकात की। रविवार को मुख्यमंत्री सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे। कुछ देर बाद वहां रहने के बाद वह केंद्रीय मंत्री व जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के आवास पर पहुंचे। ललन सिंह के साथ विमर्श करने के बाद वह वापस दिल्ली स्थित अपने आवास लौटा। दोपहर बाद उन्होंने अलग अलग राज्यों से पहुंचे जेडीयू नेताओं से मुलाकात की, चुनाव के बारे में फीडबैक भी लिया। रात 8 बजे के करीब वह वापस पटना लौटा। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि संजय झा दिल्ली में रहकर पार्टी की राष्ट्रीय गतिविधियों व कार्यों को देखेंगे, घटक दलों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी को भी संभालेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने स्वयं संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पार्टी को सर्वसम्मति मिली। संजय झा पूर्व में भी पार्टी की तरफ से बिहार के बाहर के राज्यों का कामकाज देख चुके। ललन सिंह को जेडीयू कोटे में केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस कड़ी में वह श्रेष्ठ नाम है, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इस बार भाजपा की आड़ में नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार किसी लायक भी नहीं बचेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुमत ले आती है तो नीतीश कुमार को कब का कुर्सी से उतार फेंकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए कैसे कैसी विडंबना है कि नीतीश कुमार हर स्थिति में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन 2025 में जनता इन्हें इस तरह से कुर्सी से उतारेगी कि यह बात करने के लायक भी नहीं बचेंगे, इनकी स्थिति सबसे अधिक बुरी हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आप लोग नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे, तो इस पर वहां बैठे लोगों ने कहा हाँ, हम लोग नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार अपनी कार्यकारिणी की बैठक के बाद लगातार एनडीए गठबंधन से मांग करते दिखाई दे रहे हैं और एनडीए गठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमला साध रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल।